जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जब मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CREAIMS में आपका जो है वैकेंसी आज है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से आपकी वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 3036 पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो आपके लिए काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले, तो ये आपके लिए काफी बेटर है और आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी। यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका एडिट करने के लिए 6 से 7 तारीख दिया हुआ है दिसंबर, अगर कोई गलती हो जाती है तो। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आएंगे 12 दिसंबर को जो है आएंगे। वही जनरल ओबीसी के लिए 3000, SC ST EWS के लिए आपका 2400 रुपए फीस दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट दी गई है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, असिस्टेंट इंजीनियर है, बहुत सारी वैकेंसी दी गई है। जूनियर ऑडिटलिस्ट है, आपका कैशियर है, चीफ कैशियर है, कोडिंग क्लर्क है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रीशियन, इतनी सारी पोस्ट दी गई है कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 10th पास के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, 12th के लिए भी है, डिग्री डिप्लोमा सभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल दी गई है। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको सारी एक बार डिटेल चेक कर लेनी है आपको कौन सी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किस में कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। अगर आप बिल्कुल आवेदन में कोई गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी पोस्ट है, आप देख सकते हैं, आपको जितनी पोस्ट दिखाई दे रही है आप वीडियो को रोक के आप अपना देख सकते हैं। एंड देखने के बाद आपको यहाँ पर जो है सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप सिलेबस भी अपना चेक कर सकते हैं। तो आपका देखिए रीजनिंग है, जीके एंड कंप्यूटर है, क्वांटिटिव एटीट्यूड है, हिंदी इंग्लिश है, उसका सब्जेक्ट रिलेटेड दिया हुआ है। तो 80 क्वेश्चन 80 नंबर का ही होगा। एंड कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दिखाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्लिक हियर कर लेना है। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल नीचे करना होगा एंड आपको दोबारा से प्रोसीड करना होगा। उसके बाद आपको पूछता है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो वो पोस्ट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है जिसके लिए आप एलिजिबल है वही पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पूछता है आपको एप्लीकेंट नेम, तो वो आपको डालना होगा एंड फुल नेम आपको दोबारा से डालना होगा। तो आपको उसका नीचे आपको दिखाई देगा आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है अपना फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी जानकारी है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करनी है। अगर आप अदरवाइज फिल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा न करें। यहाँ पे आपको क्या है एप्लीकेंट अपना नाम जो है फादर्स नेम जो है फिल करना है, वही आपको मदर्स नेम डालना होगा। डालने के बाद उसके बाद क्या आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही आपको कंफर्म करनी होगी। कैटेगरी दोबारा डालने के बाद विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको किस राज्य का डोमिसाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट क्या आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको क्या है आईडी प्रूफ आपके पास कोई अवेलेबल है तो इसमें क्या है आपको ऑप्शनल है ये खाली छोड़ देंगे। वही जेंडर मेल है फीमेल है वो डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देना है। वही पूछता है आपको आप जो है डिफेंस है आप डिसेबल किए गए आपको निकाला गया तो आपको यहाँ पर नो कर। आर यू पर्सनल डिसेबल इन ओपनिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज, तो आपको यहाँ पर आपको नो कर दिया। एंड पूछता है आर यू सर्विस क्लर्क है इन आर्म फोर्स इन लास्ट ईयर, आप लास्ट ईयर में आप जो आर्म फोर्स में रहे थे क्लर्क रहे थे तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है सबसे पहले आपको ईयर डाल देना है, मंथ डाल देना है एंड आपका डेट कौन सा है वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा। एंड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कर देना है एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी मेल पर आ जाएगा, तो वो पासवर्ड आईडी नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुल के आ जाएगा। वही पूछता आपने देखिए डिप्लोमा है डिग्री है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं सिर्फ यही चेंजेस होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे क्या आपका क्वालिफिकेशन चेंज होता है, बाकी सारी चीजें जो है सेम ही रहेंगी। तो आपको किस बोर्ड से आपका हायर क्वालिफिकेशन किया है वो आपको डाल देना है।
किस इंस्टीट्यूट से किया है, कब तक, कब से कब तक आपने किया है, किस राज्य से पास किया है, वो आपको डाल देना है। वही पूछता है कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेना है एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। इस स्टेट डाल देना है एंड यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है एंड आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। विलेज, पोस्ट, तहसील, ये सारी चीज डालने के बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट में होता है। वही आपका दिया हुआ है करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आप करेस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं दोनों सेम है तो आप सेव ही कर देंगे, अलग है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव टू नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, आपको सेव टू प्रोसीड थर्ड स्टेप के लिए आपका आवेदन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल दे सकते हैं। तो एक्सपीरियंस है आपका किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपको डालने आए, किस पद पे कर रहे हैं तो वो आपको डाल देना है एंड कब से कब तक किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपने यहाँ पे डेट डाल देना है एंड कब से कब तक आप अपना नौकरी किया है तो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने सेवेंट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अगर और भी डिटेल है तो और भी दे सकते हैं, अन्यथा सेवेंट प्रोसीड कर देंगे। तो आपको देखिए सारी डिटेल जो है अच्छे से फिल करनी है, आपको कोई भी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे यू शुड हैव एक्सपीरियंस मोर देन 1825 तो आपको क्या यहाँ पर चेक कर लेना है आपने कोई गलती तो नहीं की, अगर गलती की है तो आप अपना गलती को सुधार सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल अच्छे से फिल कर देनी है एंड आप उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है आपका क्वालिफिकेशन, आपका मेक पेमेंट। तो आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखिए पे करने के बाद आपको आगे प्रोसेस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है आपका एग्जाम सिटी, तो आपको एग्जाम सिटी चूज करना होगा एंड अपलोड इमेज आपको करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए आ जाएगा, तो आपको प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।